इतने घट में प्राण और कभी तो दीन दयाल के तो भणक पड़ेगी कान जी। हरी धरती माता तू बड़ी और तो तेरे ते बड़े भगवान और गुण विद्या धन देत है मेरे सच सचे नारायण जी। और शेर चढ़ी देवी मिली तो गरड़ चढ़े भगवान और बैल चढ़े शिव जी मिले तो मेरे दो हृदय में ज्ञान। तो ये शिव कथा जिसको बमलेही भी कहते हैं ये हमारी सबसे पुरानी कथा है और ये कथा हम आपके सामने शुरू करेंगे। अब सुनिए हमारी ये बम लहरी। जिस समय राजा दक्ष ने एक बहुत बड़ी यज्ञ रची, यज्ञ रचने में सब देवता लोगों को बुलाया और शंकर भगवान को नहीं बुलाया, तो पार्वती जी ने कहा पिताजी आपने शंकर भगवान क्यों नहीं बुलाए? तो राजा दक्ष ने कहा बेटी उसका रूप भयंकर है, उसका रूप देख के सब देवता लोग भाग जाएंगे, इसलिए शंकर भगवान को नहीं बुलाया। अच्छा, तो पार्वती जी अपनी शक्ति से कैलाश पर्वत पे पहुंचती है जहां शंकर भगवान समाधि लगाए बैठा था और कह लगी ए महाराज आप क्यों नहीं पधारे, मेरे पिता ने तो एक बहुत बड़ी यज्ञ रची। शंकर भगवान ने कहा पार्वती जी जबकि तेरे पिता ने हमको निमंत्रण नहीं दिया अब कैसे आ सकते, हम नहीं जा सके थे। अच्छा कि हाँ अब यहीं से हमारी ये शिव कथा शुरू होती है, आप सड़े बड़े शांत है सुनिए। रामचंद्र शंकर का भजन कर, शिव के भजन कर पार्वती, कह लगे शंकर बोले, और खोल पलक बम देखे नाथ जी, आजो चीर बैठे रहो ने रटो राम के नाम तुम्ही, बोले पार्वती शब्द सुनावे, हे शंकर बोले लहरी, चेली का कहना छोड़ नाथ जी, तेरे संग चलूंगी, नारी को तेरे संग चलूंगी, जन्म जन्म की रहूंगी दासी, जन्म जन्म की रहूंगी दासी, तेरी छा में गोट बिजिया जाऊंगी, गोट बिजिया जाऊंगी, तू भी पीवेगा तेरा पीवेगा ना दिया, तू भी पीवेगा तेरा पीवेगा ना दिया, बची कुची पी जाऊं सारी, बम 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 ब
लगे शंकर भोले, कहन लगे शंकर भोले, तेरी एक सुने नेरी पार्वती, सुने ने पार्वती, चंद्रमुखी है पार्वती, चंद्रमुखी है पार्वती, कोई सूरजमुखी लड़का ढूंढो, सूरजमुखी लड़का ढूंढो, जहाँ बैठी राज करे गौरा, शालूरी मांगेगी, मांगेगी, डलड़ी भर गए ना मांगेगी, छन्ने पछेली बाजू बंद नुगरिया, पायो में भी पायल मांगेगी, शंकर बोले लहरी, मैं कई रे बार बहकाई रे नाथ जी, अब बखने की रे मैं नाही, तेरा बखवा भी चोला रंग दे नाथ जी, तेरा ढंग सोई मेरा ढंग है, बैठ गए और कहन लगे गौरा जी से, कहन लगे गौरा जी,
Keep it.
भगवान पार्वती जी से कहते हैं, ए पार्वती जी, तू राजा महाराजा की लड़की होती हुई क्यों पागल होगी? तो पार्वती जी कहती है, महाराज ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो शंकर भगवान कहते हैं, के कौन जगत में एक है और कौन जगत में दो, और कौन जगत में जागता तो कौन गया परसो। तो पार्वती जी उत्तर देती है महाराज, के राम जगत में एक है और चांद सूरज है दो, और पाप जगत में जागता तो धर्म गया परसो। पार्वती जी ऐसा नहीं, देखिए मैं फक्कड़ आदमी पहाड़ में रहता हूँ, मेरा रूप भी भयंकर है, ये जीवन साथी बनना बड़ा मुश्किल है, ऐसे कैसे हो सकता, मैं तो आँख ढाकता तो भोजन बनाता हूँ। पार्वती जी मेरे पास तो कुछ भी सरो सामान नहीं। तो एक सुनिए, आप शंकर भगवान पार्वती जी से कहते हैं, समझाते हैं, कहते हैं, तो राजा की राज दुलारी, तू राजा की राज दुलारी, मैं सिर पर न गोष्टे आया सुन भांग रगड़ के दिया
फकर के रंग राग देख के डर जागी अब तू है नरसिंह तो मेरा भाग देख के डर जागी और रात भूल के पिया करूं तेरा भाग देख के डर जागी मेरे सोसो नागली पटरी गले में मेरी नाग देख के डर जागी और सोसो नागली पटरी गले में नाग देख के डर जागी मैं पच धूना के बीच तपू मेरी आग देख के डर जागी और पंच धूना के शादी करवा ऐसा मेल मिलाना ठीक नहीं राजा के संग शादी मेल मिलाना ठीक नहीं मैं सुल्फा गांजा फी मैं खाऊं तू तेल पिलाना ठीक नहीं सुल्फा गांजा फी मैं खाऊं तेल पिलाना ठीक नहीं आहा जिसकी पन्नी धार हो ऐसा सेल चलाना ठीक नहीं मैं रच रखा यू खेल खिलाना ठीक नहीं जूसा खेल तो मैं रच रखा यू खेल खिलाना ठीक नहीं क्या मांगेरा मैं भोजन पार्वती जी कहती है महाराज शंकर भगवान आप ऐसे नहीं मानोगे महाराज मैं आपको ऐसा श्राप दूंगी महाराज आपकी कुटी भस्म हो जाएगी तीन लोक में आपका पता नहीं पाएगा आप भी जल जाओगे आपका जो बैल नादिया है ये भी जल जाएगा महाराज चरंत परंत जो कुछ जीव जंत हैं कैलाश पर्वत में सब भस्म हो जाएंगे आपको ऐसा श्राप दूंगी तो शंकर भगवान को इतना सुना और थर थर शरीर कांप जाता है पार्वती जी ऐसे शब्द मत बोलो क्यों कि श्राप का नाम छोड़ दो ऐसा वचन मत कहना तो पार्वती जी कहती है महाराज बगैर वचन के मैं नहीं जाऊंगी आपको बनूंगी और बल्कि अब मेरी बात सुनिए बम बम भोले नाथ महादे बम बम भोले नाथ महादे चूंदर व्यास मेरे तै तीन लोक के भंडारी मैं ब्याह करवाऊं बम बम भोले नाथ महादे We'll be right back.
तेरे चाल दुसाले नहीं जरूरत गहने की भजन के
कहे मैं सम बड़ी मेरे दुनिया पानी भरती है और उत्तर कहे मैं सम बड़ा मेरे दुनिया दर्शन करती है के अकल कहे मैं सम बड़ी मैं सरा कचहरी लड़ती हूँ तकदीर कहे तुम तीनों झूठी मैं जो चाहे सोई करती हूँ। भाई बन जाते हैं रिश्तेदार भाई बन जाते हैं रिश्तेदार जब जर पास होता है और टूट जाते हैं गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। भाई कर्मों की कम नसीबी दिन बुरे आने लगे जिनको ती फूलों से नफरत ठोकरे खाने लगे। कौन नरसी सेठ हमारे देश में एक बहुत पुरानी कथा नरसी भात भी कहते हैं इसको। अब सुनिए कौन के नरसी सेठ जूनागढ़ के रहने वाला और सरसागढ़ का कौन सेठ मनसा सेठ की हाँ लड़की ब्याही हुई थी किसकी के नरसी सेठ की। भगवान ने उसकी परीक्षा लेने के लिए सब नरसी सेठ पे धन जो था सब भगवान नाम पे भूखे प्यासों से दान करा दिया। आप सरसागर से चिट्ठी आ जाती है भात की। अब कौन नरसी सेठ नरसी भगत जी बन गया है और कहने के झगड़े बहुत है। आप श्री कृष्ण भगवान गढ़वाले बन के नरसी के साथ कहाँ आ जाते हैं सरसागर में आ जाते हैं और हरनंदी ने देखा कि तेरा बाप तो बहुत बुरी हालात से कमजोर हालात है और साधु संत उसके साथ हैं तो एक गौशाला में उनको ठिकाना दे दिया कि रात हो जाती है रात के समय में कोरड़ा बना करके और कहाँ पहुँचती है जहाँ गौशाला में नरसी भक्त और उनके साथी थे जाके कहती है अपने पिता से कि ऐ बेईमान तुम्हें शर्म नहीं आई मेरी लज्जा को डबो दिया आपके पास धन दौलत नहीं था तो आपको आना नहीं था तो क्या कहती है और क्या नरसिंह बाप और बेटी की क्या आपस में बातचीत होती है। अब सुनिए
सोची बिना मोते उले बदनामी होएगी ना सोची बिना मोते उले बदनामी होएगी मैं तनु आ गया हक मेरी लाडी बैठ बाप ने को मैगी हर सा सुनन लगी टाइनी जगे जीवासे न रोवेगी नरसी शेर पिताजी साहब पिताजी आपको आना नहीं था कि बेटी आप मेरे कोरोने ना मारो मैं सुबह होगा मैं चला जाऊंगा अच्छा कि हाँ अब हरनंदी अपने घर आ जाती है अब वहां से कौन कृष्ण भगवान मारवाड़ी सेठ का रूप बना के और उस गौ साले के ऊपर आकर दुकान लगा के बैठ जाते हैं और कृष्ण भगवान जिस टाइम दुकान लगा के बैठ गए सवेरे का टाइम होया नरसी सेठ लोटा पानी का लेके और गेट से बाहर निकले देखा गेट के ऊपर दुकान लगी हुई है वही वही सामान जो जो उसके सिमदी सिमधन ने भात का लिखवा के चिट्ठी में भेज रखा था तो सारा का सारा सामान वही नरसी सेठ सामान देख के गेट के ऊपर खड़े हो जाते हैं और नरसी सेठ से कृष्ण भगवान कहते हैं कृष्ण भगवान कहते हैं नरसी भगत आप ऐसे क्यों खड़े हो किस चीज की इच्छा में हो तो नरसी भगत कहते हैं महाराज सेठ जी इच्छा तो सभी चीज की है परंतु हमारे पास तो एक पैसा भी नहीं
तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अच्छा एक काम करो, आप उधार ले लो, मैं आपका विश्वास करूंगा। क्यों? कि उनका पहले भगवान के नाम पे दान करा था, उन्हें जमा किया था। क्यों? भगवान भगत के बस में होते आए, इसीलिए उन्हें जमा किया था पहले। उसका महाराज आप उधार ले लो, और आप जिस चीज की इच्छा है आप घबराओ नहीं, महाराज आपकी सहायता भगवान करने वाले हैं, आप जो चाहिए तो ले लो। महाराज मेरा तो उधार का बहुत नहीं, मैं तो जंगल में से बथुआ लाता हूँ और साग घोटता हूँ खा लेता हूँ। अच्छा क्या के आप एक काम करें, कहीं से एक गाड़ी और दो बलद मांग ले आवे, ऐसी बेटी आपकी और ऐसी मेरी, दोनों रल मिल के सरसागढ़ में हरनंद के यहाँ हाथ भरने चलते हैं। तो कृष्ण भगवान नरसी सेठ का गढ़वाला बन के सरसागढ़ में हरनंद के यहाँ हाथ भरने के लिए जाता है। अब हरनंद जी से कह दिया, बेटी अपनी दुरानी जिठानी अगर पड़ोसन और पूरे शहर में आप बुलावा दे दो, और जो बेटी मेरी श्रद्धा है दान श्रद्धा समान ये भात बेटी मैं आपको दूंगा, जो मेरी श्रद्धा है श्रद्धा के अनुसार। अब भगवान की माया, अब भगवान की लीला क्या होती है, श्री कृष्ण भगवान सहायता करने वाले उनकी साथे, अब कैसे भात भरते हैं भाई जी। I'm not afraid.
तो ये हम आपको इतिहास सुनाएंगे सतयुग के जमाने की। राजा हरिचंद्र काशी जी का राजा यानी सतयुग के जमाने की कथा है राजा त्रिशंकु जी के। कौन? महाराज हरिचंदानी वीर, जिनके नाम आज तक अमर हैं हमारे देश में। विश्वामित्र उनके पीछे लगा हुआ था उनका सत दिगाने के लिए। इतिहास तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं चंद थोड़ी बातों में आपको सुनाई देता हूँ कि रानी तारा राजा हरिचंद की और रोहतास लड़का तीनों प्राणी चले आते हैं युद्धा जी में। आकर के होली का दिन आ जाता है, तारा रानी कहती है बेटा रोहतास के, हाँ माता जी जाओ बेटा, घर घर में होली मनी हुई है, बाग में जाओ और फूल तोड़ के लाओ, क्यों कि हम भी पूजा पाठ करेंगे। अब लड़का रोहतास एक फूलों की डलिया लेकर के हाथ में और बाग में जाता है। विश्वामित्र एक सांप का रूप बना करके और फूल में छुप कर बैठता है, और लड़का फूलों पे हाथ लपाता है तो एकदम से विश्वर काला नाग बन के विश्वामित्र ने डंक लगा देता है। लड़के ने कहा कि हाय माँ, मालन दौड़ के आती है कि किसी का बच्चा आया है, क्या होया इसे? तो लड़का कहता है री माता, मालन काशी जी में चली जा, मेरी माँ का नाम तारा है, जाके बहुत जल्दी ये कह दे कि तेरा लड़का सांप ने खा लिया, जा जल्दी से कह दो। तो मालन भाग दौड़ के जाती है, काशी जी में आती है, कहती है कि कोई तारा नाम की औरत है। तो तारा रानी सुनते कहती है हाँ बहना, क्या बात है कि तेरा लड़का रोहतास है? हाँ बहना है कि फूल लेने के लिए गया था, कि जरूर गया था, तो तेरा लड़का सांप ने खा लिया। तो तारा रानी बाग में आती है, अपने बच्चे को गोद में लेकर के कभी रोती है कभी पीटती है, और क्या कहती है, भगवान तेरी माया परंपार है, राज भी ले लिया, एक लड़का था ये भी ले लिया। अब क्या कहती है अपने बेटे को देखते है, क्योंकि जो सब औलाद होगा उसे औलाद का गम याद होगा। अब क्या कहती है अपने बेटे को, मोरे डसे गया नाग मेरी, आज मेरे लाल ने और पाटिया में छाती बेटा देखते आज कोई, आज मेरे लाल ने
तो कौन तारा रानी जार बेजार होकर होती है, आंखों से ऐसी आंसू पड़ती है जैसे सच्चे मोतियों की लड़ी टूट के पड़ती है, जार बेजार होकर होती है। और मालन जो थी उसको समझाती है, ए बहना अब क्यों रोती है, जो इसमें चीज थी वो तो चली गई, अब माटी से माटी मिल गई, माटी से माटी मिल गई। आप कहने के झगड़े बहुत है, लड़के को लेकर केले के पत्तों में छुपा करके शमशान घाट पर आ जाती है, जहाँ के राजा हरिचंद्र की ड्यूटी लगी हुई थी, आकर के चीता लगा देती है और राजा हरिचंद्र ने आकर ठोकर मारता है, ऐ कौन है, पहले मेरा कर दे दे सवा रुपया, जो मेरा कर का है वो मेरा पहले यहाँ रख दे, मैं नहीं, मैं किसी का नौकर हूँ, काली भंगी का नौकर हूँ, पहले सवा रुपया दे दे। तो रानी क्या कहती है, महाराज मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं। तो राजा हरिचंद क्या कहता है, घाट पे चौकी मेरी मैं नौकर काले का सवा रुपया कर जाओ से बड़े का, घाट पे चौकी मेरी नौकर काले का सवा रुपया कर जाओ से बड़े का। Got it.
कहता है रानी मैं नहीं मैं किसी का नौकर हूँ पहले कर दे के मेरा धर्म निष्ठ हो जाएगा जो मैंने आप पे कर छोड़ दिया कि महाराज आधा बेटा मेरा है आधा आपका है आधा कर आप प्यार करें तो आधा मैं करूं कि नहीं रानी आपको सारा ही करना पड़ेगा कि अच्छा महाराज एक काम करो मेरे पास पैसा तो नहीं चार आने में मेरे गल की कंठी ले लें और महाराज एक रुपए में मेरा आधा चीर ले लें आप सवा रुपया महाराज ये कीमत है आप पूरा कर लें कि अच्छा ऐसा तो नहीं लाओ देव गल की कंठी भी दो और चीर भी दो मैं अपने मालिक के पास जाता हूँ जो मेरा मालिक रजावंद हो गया तो आप लाश फूंक लेना नहीं नहीं तो चीर लेकर के गल की कंठी लेकर के कहाँ कालिए के पास पहुँचता है और कहते लो महाराज कालिए ने देखा रे हमारे काशी जी में हरिये के हाँ ऐसा कमजोर कौन है जिसके पास सवा रुपया भी नहीं पाया कि महाराज एक दुखिया है उसके पास एक पैसा भी नहीं और ये मैं सवा रुपये में गल की कंठी और ये चीर लेकर आया के ऐसा कौन है अब राजा हरिचंद कहते हैं महाराज एक दुखिया है कौन एक है रोती छोटी वीर मैं जिसका लाया कंठी चीर बावड़ा जोड़ के आया
राजा सलीभान राज करते थे, जिनके यहाँ दो रानियां थी, एक का नाम इंछरा दे, एक का नाम नौना दे। राजा के यहाँ कोई संतान नहीं थी। कौन? गुरु गोरखनाथ चले आते हैं। 12 साल की रानी ने सेवा करी इंछरा रानी ने, और गुरु गोरखनाथ ने वरदान दे दिया, जा बेटी तेरे यहाँ एक पुत्र होगा पैदा, नाम पूर्ण भक्त रखना। तो गुरु गोरखनाथ का बाप खाली जाने वाला नहीं था। कुछ दिनों के बाद लड़का कौन हो जाता है? पूर्ण भक्त। भोरे में छोड़ दिया लिखाने पढ़ाने के लिए। अब कुछ दिनों के बाद 12 साल की उम्र हो जाती है किसकी? पूर्ण भक्त की। पूर्ण भक्त को ऑर्डर दिया कि जाओ हलकारों से, जाओ पूर्ण भक्त को भोरे में से निकाल के और महल में ले जाओ। उसके दो माता हैं, एक नौना दे और एक इच्छरा दे, जाओ प्री माताओं के दर्शन करेगा। तो पूर्ण भगत कहाँ अपने महल में आ जाता है और हाथ जोड़ के और चरणों में प्रणाम करता है और क्या कहता है पूर्ण भगत अपनी मौसी से और अपनी माता से? हाथ जोड़ के राम राम ले, हाथ जोड़ के चरणों में शीश निवाया Yeah.
अपने बड़ों की मांग करे के अपने बड़ा के मांग आ होती कला सवाई री जिसके घर में मात पिता मां कवल रूपी चरणों में मेरा प्रणाम हो। तो लौना दे कहती है उसकी सूरत को देख के और मोहित हो जाती है, कहती है कि माता माता मत कहो, माता है तेरी कौन, अरे माता तो वह होती जो पुत्र जन्म है जो, मैं तेरी माता नहीं, क्यों आप मेरे पति और मैं आपकी पत्नी। अरे माता ऐसा मत बोले, माता तू मेरे धर्म की माता है कि नहीं, आ मेरे पति मैं आपकी पत्नी। तो पूर्ण भगत कहते हैं माता ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये जमीन फट जाएगी, आसमान टूट जाएगा, ऐसा मत बोले, क्यों तू मेरी माँ है मैं तेरा पुत्र हूँ। नौना जी कहती है पूर्ण भक्त या तो मेरी बात को मान ले वरना तू ये जान से मरवा दूंगी। माता जान से मरवा दे या ना मरवा दे, मेरी जान मेरी है, मैं किसी से उधारी नहीं लाया, लेकिन ये बात आपकी चलने वाली नहीं है। तो पूर्ण भक्त
وہاں سے چل دیتا ہے چلتی دفعہ نونا دے رانی نے ایک رومال اس کی جیب میں سے نکال دیا نکال لیا اب رانی تریا چالت تر جانا نہ کو پتی مار کے ستی ہو آپ چلتر دکھاتی ہے راجہ سلیبان محل میں آتا ہے راجہ سے کیا کہتی ہے مہاراج آپ کا لڑکے کو آپ میری بے عزتی کریر بہت خراب تیرا لڑکا پورن بھگت میری ساتھ میں بڑی ناچتا کیا کیا دیکھیں میری بات سنیے مہاراج او تیرا پورن مل ہے بدماس ہے تیرا پورن مل بدماس ہے God.
सुबह उठता हूँ भोले का नाम लिया करता हूँ, नाम ले लेकर शिव शंकर का जिया करता हूँ। तो शंकर भगवान कहते पार्वती जी ऐसा कैसे हो सकता है, देखो सतयुग और त्रेता द्वापर युग और फिर कलयुग आएगा, हमें दुनिया संसार दुनिया वाले क्या कहेंगे। तो इस जमाने की बात शंकर भगवान क्या कहते हैं पार्वती जी से, पार्वती जी के हाँ एक सुने ने पार्वती, एक सुने ने पार्वती, अपने मुख से री चेली कहली, अपने मुख से चेली कहली, कैसे कहूँ मैं घर की नारी, और कैसे कहूँ मैं घर की नारी, मन पाप चढ़ेगा बोता भारी, और पाप चढ़ेगा बोता भारी, कलयुग में दुनिया नाम धरेगी, कलयुग में दुनिया नाम धरेगी, कलयुग फोटा आवगा जमाना, कलयुग फोटा आवगा जमाना, हरि छोटे देंगे बड़ों को ताना, छोटे देंगे बड़ों को ताना, दया फिरे मारी मारी, और दया फिरे की मारी मारी, माता की चर्चा पुत्री करेगी, माता की चर्चा पुत्री करेगी, पिता से पुत्र नहीं डरने का, पिता से पुत्र Yeah.
يا برمان رجي شرعي